गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। आज कोई हाय हेलो कुछ नहीं है। ऑनेस्टली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, इट्स बीन वन ईयर नाउ ऑन यूट्यूब। मैंने शुरू किया था, सबको लगता है कि एक्चुअली ये चैनल हमने शुरू किया था 3 अगस्त को, लेकिन 3 अगस्त से मैं शुरू नहीं करूंगा लास्ट ईयर। मैं शुरुआत करूंगा द डे इट स्टार्टेड, बेसिकली हाउ आई टर्न्ड फ्रॉम अ राइटर टू अ यूट्यूबर, देन टू अ पबजी स्ट्रीमर, ऑफिशियल पबजी स्ट्रीमर। हाउ डिड दैट हैपन, वो बताना मेरे को मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। रीज़न क्या है उस चीज़ का? उसका एक ही रीज़न ये है कि बेसिकली एवरीबडी आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम के राहुल भैया स्टोरी क्या है, हाउ यू टर्न आउट टू बी अ पबजी स्ट्रीमर, आप इतने प्रोफेशनल भी नहीं हो स्ट्रीमिंग में, लेकिन क्वालिटी आप अच्छी देते हो, लेकिन कमेंट्री के मामले में पता लग जाता है कि हाँ यू हैव जस्ट स्टार्टेड इट। तो कैसे हुआ एंड हाउ दिस करियर केम इन टू माई लाइफ, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो बेसिकली दिस ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज 12, तो एट दैट पॉइंट आई स्टार्टेड राइटिंग। मैं 12 साल की उम्र से लिख रहा था, तो वो लिखते लिखते ना एक पॉइंट आया, नोबडी नोज अबाउट इट, बेसिकली माई फैमिली इवन डिडंट नो अबाउट इट। एक पॉइंट तक उनको नहीं पता था कि मैं लिखता हूँ। देन इट केम फ्रॉम अ टीचर के अगर आप लिखते हो, कोई पॉइंट आया, मैंने अपने टीचर शबीना मैम फ्रॉम DAV, आई टोल्ड हर कि मैं लिखता हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तू और कोई होमवर्क कर या ना कर, लेकिन अपने लिखने के पैशन को मत छोड़ियो। तो दैट थिंग केम इन टू बींग एंड वो चीज़ मेरे को पे ऑफ किया 10 साल बाद। 2012 में आई डिड माई फर्स्ट फिल्म एज अ राइटर, एंड नाम नहीं ले सकते क्योंकि अल्टीमेटली एक वर्ड जुड़ा हुआ है, घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर क्या होता है? जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसे मिलते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता। एंड हाँ गाइस, इसमें कोई नेपोटिज्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं है, कोई गन रख के काम नहीं करा रहा। इसके अंदर एक चीज जो इन्वॉल्व है वो ये है कि यू आर गिवन एन ऑप्शन। आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि चाहे आप चाहो पैसे ले लो या आप क्रेडिट ले लो। नाउ दैट्स माय चॉइस कि मैं पैसे लेता हूँ। नेहा कक्कड़ वाली, नेहा धूपिया वाली, वो नहीं क्या कहते हैं कि माय चॉइस, इट्स लाइक जेन्युइनली माय चॉइस कि मैं चाहे पैसे ले लूँ चाहे मैं क्रेडिट ले लूँ। उसका रीज़न क्या है कि हम कभी भी कोई काम अगर किसी फैक्ट्री में भी करते हैं तो उसमें आउटसोर्सिंग होती है। तो बेसिकली घोस्ट राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग एज एन आउटसोर्स स्टफ। तो ठीक है, बेसिकली काम किसी राइटर को मिलता है तो वो बाहर राइटर्स हायर करके उससे काम करा देते हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल है। तो इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है, एंड वो मेरी चॉइस थी क्योंकि पैसा ज़्यादा है क्रेडिट के अलावा। मतलब अगर आप क्रेडिट नहीं लेते हो तो आपको पैसा इनिशियली बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड उस टाइम पे कह सकते हो कि 22 साल की उम्र में यू डोंट केयर अबाउट कि हाँ नाम आया कुछ भी आया, यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट मनी। सो दैट्स व्हाट आई थॉट एंड इट स्टार्टेड। तो करते करते 63 फिल्म्स कर दी। नाम नहीं ले सकते क्योंकि घोस्ट राइटर है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हम किसी फिल्म का नाम नहीं लेंगे। स्पेकुलेशंस बहुत आ जाती है, लोग के मेरे को फ़ोन आते हैं, आरजी तूने ये वाली फिल्म तूने तो नहीं की, इसके अंदर तूने ये डायलॉग्स तो नहीं किए, ये बिल्कुल तेरी तरह बात कर रहा है। वो चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ को अब क्लेम नहीं करूँगा कि हाँ ये मैंने काम करा हुआ है। एंड लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉम दिस 63 फिल्म जर्नी अगर मैं बात करूँ, देन आई शिफ्टेड टू वन मोर करियर विच वॉज नोवेयर इन माई, मतलब आई मेरे आंखों में नहीं था, नज़र में नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं एक एक्टर टर्न आउट हो जाऊंगा, कि आई विल टर्न आउट टू बी एन एक्टर लिविंग इन बॉम्बे। मैंने आई हैव डन अराउंड टेलीविजन एंड मतलब बहुत सारा स्टफ मैंने किया है, अराउंड मोर देन 100 एपिसोड मैं कर चुका हूँ टेलीविजन के ऊपर, काफ़ी सारा काम हो चुका है। कभी 10 सेकंड का रोल, कभी 20 सेकंड का रोल, कभी 30 सेकंड का रोल, कभी फुल फ्लेज्ड एपिसोड, कभी एक सीरीज में कवर कर लेते थे खुद को। तो ये चीज़ें बहुत चली। फिर एक पॉइंट आया, आई नीड टू गेट बैक टू माई होम सिटी विच इज़ लुधियाना, आई नीड टू गेट बैक टू माई पेरेंट्स। तो उसमें क्या था कि मुझे मेरे पेरेंट्स के पास वापस आना ज़रूरी था, क्योंकि माई पेरेंट्स हेल्थ वॉज लाइक वेरी मच फिशी, कभी ख़राब हो जाती थी, कभी कोई दिक्कत आ गई, माई फादर गॉट इंजर्ड, उनके शोल्डर में दिक्कत आई, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, दे नीड मी मोर देन दिस करियर। तो मैं आ गया एक बारी, लेकिन राइटिंग का काम मेरा अभी भी फ्लो में चल रहा है, तो एज सच कोई मेरे को इतना इफेक्ट नहीं आया लुधियाना आके। लेकिन फिर एक पॉइंट आया कि अब यहाँ पे करूँ क्या, मेरा वो जो एक्टिंग का पैशन जनरेट हुआ करने के बाद या कैमरा का पैशन जनरेट हुआ, तो मैं वो कैसे अपना मतलब सेटिस्फाई करूँ अपने आप को, या बेसिकली आप कह सकते हो एक स्टेबल करियर जिसको आप जिसके अंदर पेमेंट्स
टाइम पे हूँ, आप उसकी तरफ देखिए, और मेरे को दुकानदारी नहीं आती। देन आई वेंट फॉर यूट्यूब, मेरे पास इक्विपमेंट्स थे, सारा कुछ था, तो कर कर आके मैंने यूट्यूब करना शुरू किया, एडिटिंग करनी शुरू करी, एंड एडिटिंग का ई नहीं आता था। फिर एक टाइम आया, वो एक मेरा फ्रेंड है उदय बुद्धि राजा, ही टॉट मी ऑल दैट, वो सिखाया कैसे, उन्होंने कट कॉपी पेस्ट की बेसिक कमांड मुझे सिखा दी, आई लर्न इट फ्रॉम हिम इन अराउंड वन डे। तो उसके बाद सारा अपना एक साल डेढ़ साल प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के बाद अपना चैनल खड़ा करा, एंड 6-8 महीने लगातार मैंने वो वीडियोस डाली। बट रिस्पॉन्स कभी बहुत अच्छा आता था तो कभी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, 10 व्यूज़ भी आए हैं, 30 व्यूज़ भी आए हैं, तो मतलब वो चीज़ भी देख चुके हैं। एक वीडियो के ऊपर 50,000 व्यूज़ आ गए, साला बोलने लग गए कि भी मतलब आई विल नॉट टेक एनीबडीज नेम, रिलेटिव्स तक ये बोल रहे थे कि पेड व्यूज खरीदे हुए। अब खरीदे हुए व्यूज का सीन ये था कि वो वीडियो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल थी कि उसमें गालियां पड़ी ऑडियंस है। और एक बात समझ में आती है कि 50,000 व्यूज खरीदे, उसके बाद कमेंट्स खरीदे, कमेंट्स के अंदर जो सेक्शन है वहां पे लोग अगर खरीदे हुए व्यूज है तो मेरी तारीफ करेंगे, वहां पे पड़ रही है गालियां, वो भी फुल फ्लेज्ड माँ बहन। तो कौन सा बंदा है जो डिसलाइक खरीदता है और कौन सा बंदा है जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में गालियां खरीदता है, तो मतलब मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती। चलो नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट, बट एक बड़ी सिंपल सी चीज़ जो मैंने आपको बता दी बड़ी क्लियर है। देन आई शॉट अ वीडियो विद माय दिस टीम, बेसिकली आई केम अक्रॉस, बिकॉज मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं ये करूँ, आई वॉन्टेड टू गिव अवे ऑन माई चैनल, तो फिर मैंने गिव अवे प्लान किया, विच वॉज अ BMW गिव अवे, जो अभी तक की मेरे चैनल की सबसे हाइप्ड वीडियो है। इस वीडियो को भी मेरी वही टीम शूट कर रही है, दैट इज राहुल बांसल फोटोग्राफी। तो गाइस मतलब अच्छा लगता है यार ये चीज़ें, ना लोग जुड़ते चले जाते हैं जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूँ, आई हैव बीन गेटिंग इन टू पीपल। अब फिर एक दिन क्या हुआ, रात को मैं सो रहा हूँ, माय फ्रेंड कॉल्स मी अप, आई कांट टेक हिज नेम, अभी हम अच्छी टर्म्स पे नहीं है, ही जस्ट कॉल्ड मी अप, ही सेड के राहुल भैया एक काम करते हैं हम लोग ना पबजी स्ट्रीम करते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे पबजी स्ट्रीमिंग का ऑप्शन पहले दिन से लोगों ने रिकमेंड करा है, बताया है, मेरे कजन है उन्होंने भी मुझे बताया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला तो पबजी स्ट्रीमिंग शुरू कर दे। अब एक एक्चुअल पता होता है ना अपनी औकात क्या है, वो गेमिंग के तौर पे एज अ प्लेयर मेरी औकात नील बटा सन्नाटा, आई एम मोर और लेस नॉट मोर देन अ बॉय, ठीक है। तो इस सीन के चक्कर में अब गेम तो खेलनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आती नहीं, मैं करूँगा क्या स्ट्रीम पर। तो देन ही टोल्ड मी अबाउट दिस स्टफ कॉल्ड कस्टम रूम्स, नाउ दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। इतना सारा कुछ पिछले तामझाम के बाद दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट कस्टम रूम्स। तो वो कस्टम रूम्स के अंदर क्या होता है कि आप 100 प्लेयर अपना खिलाते हो जिसके अंदर कोई बॉट नहीं है कुछ नहीं है, देन यू टेक इट टू द फाइट, उनके बारे में आप बताते हो, भाई मैंने कमेंट्री शुरू कर दी उसके साथ, दैट मैचेस टुक इट टू नेक्स्ट लेवल, चैनल ग्रो करने लगा, वॉच आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, 10 लोग भी आते थे तो 25 से 30 घंटे का वॉच टाइम बढ़ता था, तो वो चीज़ ने बड़ा किक कर दिया। एंड दोज कस्टम रूम्स वेंट वेरी हाई, बेसिकली अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोग जुड़े साथ में। फिर उसने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करी कि पबजी में Tier 1 होता है। नाउ व्हाट इज Tier 1, आई डोंट नो, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना कि Tier 1 क्या है। तो किसी ने मेरे को बताया डायरेक्टली Tier 1 कर ले क्योंकि तू क्वालिटी अच्छी दे रहा है, एंड अच्छी टीम ने मतलब बेसिकली वन ऑफ द वेरी रिप्यूटेड टीम्स इन इंडिया प्लेड विद मी फॉर वन डे, एंड दे एक्चुअली फाउंड आउट के मतलब यार अपने आप लगा लो पास्ट प्रेजेंट वाला टेंस, उसके अंदर पता क्या, उन्होंने एक्चुअली डिस्कवर किया कि ये बंदा कुछ डिफरेंट है देन अदर स्ट्रीमर्स इन इंडिया। तो उन्होंने मेरे को रेफर किया किसी एक T1 कंपनी को जो T1 होस्ट करते थे, तो उन्होंने मेरे को MEC करके कंपनी थी, तो उन्होंने मेरे को एज एन ऑफिशियल स्ट्रीमर बोला कि आप हमारा जो स्क्रिम्स है उसे पब्लिक कीजिए, मुझे स्क्रिम्स का मतलब भी नहीं पता था ऑनेस्टली। तो वो मैंने 1-2 हफ्ता मैंने करने के बाद मेरे को समझ में आ गया, देन आई स्टार्टेड माई ओन स्क्रिम्स। तो करते कराते आज यहाँ पर हैं कि वी आर होस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट T1 स्क्रिम्स इन इंडिया, एंड आज सारा कुछ अच्छा जा रहा है, टर्न आउट टू बी अ फुल टाइम पबजी स्ट्रीमर फ्रॉम अ राइटर। अभी राइटिंग चल रही है साइड बाई साइड, लेकिन राइटिंग अब एक मतलब हॉबी की तरह है, बेसिकली आई एम इन टू द स्ट्रीमिंग। तो ये टोटली एक करियर जो ग्राफ था ना, इट ऑल मतलब ये समझ में नहीं आया कि हाउ दिस वुड हैव हैपेंड।
मतलब सारी सारी की सारी जर्नी ऐसी रही है। तो एक साल के अंदर व्हाट आई हैव अर्नड फ्रॉम दिस चैनल इज, कि अगर आप बात करो पैसों के मामले में वो तो चलो माइनर बात है, कुछ ऐसा ऐसा खास अभी हुआ नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जब कमाएंगे तब आपके साथ शेयर भी करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली व्हाट आई हैव अर्नड इज पीपल। तो मतलब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, लोगों के, आप मेरा इंस्टाग्राम अगर कभी जिंदगी में मैं आपको दिखा पाऊं ना, तो मेरे को जिस तरीके से लोगों के मैसेजेस आते हैं, प्लेयर्स के मैसेजेस आते हैं, फिर ये खबरें आती हैं बैन वाली कि पबजी बैन हो रही है, तो मतलब वो लोगों का दिल ऐसे ऐसे हो जाता है। लेकिन अब एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर मैं गेमिंग में घुसूंगा तो गेमिंग ही होगी, भले पबजी हो, भले क्रिकेट हो, भले GTA 5 हो, भले क्या कहते हैं अभी गेटिंग ओवर इट आ रही है, उसके बारे में भी हम वीडियो शूट करना शुरू कर देंगे। एंड हाँ, जहां तक मैंने बोला था कि इट इज अ मल्टी जॉनर चैनल जहां पे सब कुछ होगा, तो फूड व्लॉग भी हम शुरू कर रहे हैं। तो गाइज, इन द कमिंग ईयर यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग ऑन दिस चैनल, एंड बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, स्पॉन्सर्स भी जुड़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी, एंड वी आर ग्रोइंग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब को ऐसा करियर नहीं ले सकते। कई लोग ना मैंने देखा कि अपने बच्चों को यूट्यूब अडॉप्ट नहीं करने देते, उनको लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, हॉबी है, नहीं, इट इज अ ब्लडी गुड करियर। ई स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर अगर आप गेमिंग की बात करो, इट इज अ जेन्युइन करियर विच कैन अर्न योर किड मच मोर रिस्पेक्ट एंड मच मोर मनी। तो ये चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस एक साल में मेरे को ये सारी चीजें पता चली, एंड द वे इट हैज टेकन मी टू सम अनदर एक्सटेंट, आई वुड से कि आई हैव लव्ड माय जर्नी फॉर 1 year, एंड यू विल गोना सी मी मेनी मोर इयर्स कमिंग अहेड। बेसिकली अगले आने वाले कई साल आप मेरे को देखने वाले हो। अब आप देखो ना देखो, मैं लगा रहूंगा, दैट्स माई स्टोरी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव एंड वट एवर यू पीपल हैव गिवन मी थ्रू आउट दिस ईयर। एंड जाते जाते बोलूंगा, गिव अवे अभी भी एक्टिव है, BMW अभी भी गिव अवे पे है, एंड सबसे बड़ी बात 2 million सब्सक्राइबर्स में एक कस्टम मेड बाइक मिलने वाली है। तो दैट इज समथिंग अनदर पर्क दैट यू गाइज कैन एंजॉय। तो गाइज, आप कोई लालच वाली बात नहीं होती, इट इज अबाउट वेन यू अर्न यू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो जाते जाते बोलूंगा, देखते रहो वीडियोज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड जितना हो सके ना वो रेड बटन को एक ही बार दबाना, बस, और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सो दैट वो रेड बटन एक बार सब्सक्राइब से सब्सक्राइब में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स इट, अपना काम हो गया। तो गाइज, आई विल टेक अ लीव एंड यू गोना सी मी मेनी मोर इयर्स कमिंग। जय हिंद, पीस।